अच्छा दादा, आपका ये जो इनिशिएटिव कह लें या एक्सपेरिमेंट कह लें, ये जो ताल तंत्र है, ये ताल तंत्र के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स को, ये किस तरह का प्रयास है? देखिए, हमने जैसे कहा आपको कि मैं बचपने से विदेश में घूमते रहे और हमें गाने गाने का भी शौक था। मैं हारमोनियम बजाता थे उस समय, और तबला तो बजाता ही था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि साउंड सेम है लेकिन साज अलग है। तो ये चीज़ मैं बहुत साल तक इसको सुनता रहा। फॉर एग्जाम्पल, जो सुन रहे हैं, अगर आप थोड़ा होमवर्क करेंगे इसके ऊपर, आपको पता चलेगा। जैसे उदू एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउथ अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन साउंड जो है बिल्कुल घटम की तरह है। बजाने का तरीका अलग है, देखने में अलग है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जब आप अगर आप रिकॉर्डिंग सुने तो वो लगेगा घटम बज रहा है, क्योंकि वो भी क्ले पॉट है। मैंने ब्राजील में सुना बरिम्बाओ, वो बहाया प्रोविंस है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राजील, वहां मैं बरिम्बाओ सुना कैपुएरा डांस के साथ। मैं आश्चर्य हुआ कि मैं फोक आर्टिस्ट के साथ बहुत काम करता हूँ बंगाल में, तो बाउल लोग जो हैं वो एक तरह बजाते हैं, विथ वन स्ट्रिंग, वो फिंगर से बजाते हैं। तो बेरिम्बा स्टिक के साथ बजाता है, लेकिन वही एक तार के ऊपर डाउन डाउन नग नग डाउन नग डाउन, बिल्कुल एक साउंड, समझे आप? जैसे मैंने पंदेरो सुना साउथ अमेरिका में, फिर मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो कोई ना कह दे तो ये तो आराम से आपको लगेगा कि हम खंजीरा के जैसे बजा सकते हैं इसको, और बजता भी है वैसे जो पंदेरो प्लेयर्स हैं। तो ये कारण से फेमिलियर साउंड थ्रू अनफेमिलियर मीडियम्स, ये सोच मैंने रिसर्च करते रहे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट और भी है। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म ताल तंत्र बनाया, आई डोंट कॉल इट अ बैंड, ये मैं बैंड की सोच से नहीं किया, मैंने किया कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहां हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शिवेंद्र जी, मैंने ये तो कहना नहीं चाहिए लेकिन एक मौका हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बाउल के साथ जो वेस्टर्न म्यूजिशियन का फ्यूजन, वो हमारे पहले सिर्फ एक आदमी था गौतम चैटर्जी करके, ही डिड इट एंड नो वन डिड इट। आई पॉपुलराइज्ड द बाउल थिंग इन अ बैंड फॉर्मेट। और फिर ढाक, जो हमारे बंगाल का फेमस सेरिमोनियल पूजा में हमेशा बजता है, तो वो गोकुल चंद्र दास जी को मैंने पिकअप करके एक साल उनको सिखाया छंद, तिहाई, कायदे, और फिर मैंने स्टेज में उनको लेके बजाना शुरू किया। और आपको जान के खुशी होगी कि गोकुल जी, रविशंकर जी बुलाया हॉलीवुड बोल में अमेरिका में, उस्ताद जी ने लंदन में बुलाया, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब गोकुल जी को लेके मास्टर ऑफ पर्कशन में टूर किया मिडल ईस्ट एंड यूरोप एंड अमेरिका। तो ये ताल तंत्र का प्लस पॉइंट हुआ कि आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटल, नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे बैंड इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस हम तो तबले में बहुत बिजी रहे आज भी, सिखाना और बजाना इसमें हम बहुत बिजी रहते हैं, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इट विल बी गुड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो इसके भावना से मैंने ताल तंत्र को इस्टेब्लिश किया। इसीलिए मैंने कहा भी कि इसको आप इनिशिएटिव कहेंगे या इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे, मैंने भी बैंड नाम इसीलिए नहीं दिया। अच्छा दादा, आजकल आपके जिन लोगों के साथ संगत होती है उसमें एल सुब्रमण्यम साहब भी हैं और कविता कृष्णमूर्ति जी भी हैं। कविता जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कर रहा था उनका, तो उन्होंने कहा कि भारत में तो जब मैं और सुब्रमण्यम डॉक्टर साहब निकलते हैं तो सब लोग ज्यादा मुझे जानते हैं कि मैं कविता कृष्णमूर्ति हूँ, लेकिन जब मैं उनके साथ फॉरेन जाती हूं तब मुझे समझ में आता है कि दरअसल अंतरराष्ट्रीय जो संगीत की दुनिया है उसमें मैं कितनी छोटी हूं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के आगे। ये उन्होंने बहुत ही मॉडेस्टी से ये बात, बहुत ही हम्बल उससे ये बात कही। आप दोनों लोग के करीब हैं, दोनों लोग के साथ जाते हैं, ये जो वर्ल्ड म्यूजिक का जो इस वक्त ट्रेंड है कह लें या वर्ल्ड म्यूजिक जिस तरफ जा रहा है,
उसमें हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भारत में, जो गाना बजाना हो रहा है चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो फिल्मी हो, हमको कितना रेस्पेक्ट मिल रहा है वर्ल्ड म्यूजिक में इस वक्त? अब देखिए शिवेंद्र जी, एक बात मैं आपको खोल के कहता हूँ कि सबको ये बात स्वीकार करना चाहिए कि क्लासिकल म्यूजिक इज द ओनली म्यूजिक फ्रॉम इंडिया दैट द वेस्ट नोज अबाउट। जो अमेरिकन है, जो जर्मन है, जो फ्रेंच है, जो स्पैनिश है, साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ीलियन है, उसको क्लासिकल म्यूजिक का पता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड योगा, योग साधना और हमारे अद्वैतवाद। आप देखिए फ्रॉम 1800 ग्रेटेस्ट ऑफ सेंट्स बंगाल से दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़े थे, स्वामी विवेकानंद थे पहले, उसके पहले भी थे, और उसके बाद रविशंकर जी आए, और उसके आगे अलाउद्दीन खां साहब गए दादा उदय शंकर जी के साथ, विष्णुदास शिराली जी, तिमिर बरन भट्टाचार्य, उसके बाद अली अकबर खां साहब यूदी मेनुहिन के साथ, फिर रविशंकर जी ऑल्सो। तो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं वो फिल्म म्यूजिक नहीं जानते, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जानते हैं। और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी, आज हम देखते हैं सारे वर्ल्ड के फिलहारमोनिक स्कोर म्यूजिक बनाते हैं, न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक, लंदन फिलहारमोनिक, अपना क्या बोलते हैं कीव यूक्रेन फिलहारमोनिक, बर्लिन फिलहारमोनिक, इस सारे ब्राज़ील साओ पाउलो फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा, सबके स्कोर पीसेज उनका बनाया हुआ पीस वो लोग बजाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। और हमें मुझे तो ये जर्नी देखने को मिला, देखिए मुझे आपको मैं शेयर करता हूँ आनंद के साथ कि उस्ताद अमजद अली खां साहब के साथ मैंने जब बजाया, वो भी स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा लंदन फिलहारमोनिक के साथ मैंने बजाया, रविशंकर जी के साथ बजाया, जब डेफिनेटली बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स में वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ हम बजाने का मौका हुआ, अभी डॉक्टर साहब के साथ एक से एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ हमें बजाने का मौका हुआ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है और वो आपको एक अलग कंडीशनिंग चाहिए माइंड का, यू हैव, क्योंकि आपको वो तो क्लासिकल नहीं है ना तो फिल्म म्यूजिक है, वो बीच का एक लैंग्वेज है जिसको आपको समझने की कोशिश करना है। अभी कुछ ही 3 साल 4 साल पहले हम गए थे कतार में, कतार फिलहारमोनिक के साथ, वो नवीन भाई है, वो ए आर रहमान साहब के बहुत फेवरेट म्यूजिशियन है नवीन कुमार। तो ये सारे जो बॉम्बे फिल्म्स हैं, बॉम्बे का म्यूज़िक का जो मेन सिग्नेचर लाइन है वो नवीन भाई का बजाया हुआ, रोज़ा का उनका बजाया हुआ, तो उनके साथ उनके कॉम्पोजिशंस हम कतार में अब बजाए, यूट्यूब में है वो सब वीडियो, तो एक अलग एक्सपीरियंस है। और कविता जी सही बताया कि एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन जो इज्जत डॉक्टर साहब को मिलता है, दैट्स ओनली बिकॉज ही इज अ क्लासिकल म्यूजिशियन, और वेस्टर्न पीपल दे केयर अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये मैं विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहता हूँ, नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अद्वैतवाद और योग साधना, ये तीनों चीज़ जो है फिलॉसफी ऑफ इंडिया, यही चीज़ें हैं जो विदेश में हमारे सर पे हैं, उनके सर पे हैं। अरे मैं तो मतलब आपसे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं स्वीकार कर लूं कि मैं तबला बजाना तो आपसे नहीं सीख सकता हूं क्योंकि मुझे आता नहीं है एकदम, लेकिन चूंकि आप एंकरिंग भी करते हैं तो कुछ जरा मुझे बताइए, टिप्स दीजिए कि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो सवाल जवाब कैसे तैयार करते हैं और सामने वाला कैसे आपके उस इंटरव्यू को उतना ही उसको भी मजा आए, इसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं वो एंकरिंग के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमें एक फायदा होता है कि अब हम जब एंकर बन के बैठते हैं तो म्यूजिशियंस को मुझे पता है कि आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या पसंद है, आप कैसे गाते हो बजाते हो, तो मैं उस एंगल से मैं क्वेश्चंस करता रहता हूँ, और तो फिर उसमें उनका भी एक कंफर्ट जोन बनता है कि वो, उनको पता है कि तन्मय पूछ रहा है तो उनको मालूम है मेरा काम,
तो वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सारे मैंने तो ये मान के चलता हूं कि सबको मैंने दोस्तों को तो साथ में देखा और बड़ों को भी पहले बचपने से सुना, तो उसमें एक आसानी होती है। और बात करने का ये मेरा वो भी एक शौक है, एंकरिंग मैं शौक के दौर में करता हूँ, ऐसा कोई मतलब वो नहीं, लेकिन मैं टेलीविजन में काम करता हूँ वो शौक के लिए, मुझे अच्छा लगता है एंकर, ये सब प्रोजेक्ट्स बनाना, एंकर करना, तो मैं करता हूँ। बहुत मजा आया दादा आपसे बात करके। और 2 साल तो लगभग कोरोना में चले गए, वरना जब हम लोग थोड़े बहुत इवेंट्स करते थे तो ये रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाहूंगा कि तन्मय दा का स्नेह रागगिरी संस्था को भी मिला था जब वो बनारस आए थे हमारे लिए। और बनारस में हमने एक कार्यक्रम किया था जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की याद में था, उसमें दादा ने बजाया था। तो दादा चलते चलते बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई 2 लाइन ठुमरी की हमको सुनाते जाइए, ताकि फिर वो भी हमारे कानों में मिठास घोलती रहे। मैं एक वर्णना, जी रविशंकर जी का कंपोजिशन हमें बहुत पसंद है, वो मैं बिल्कुल पढ़ के सुनाता हूँ। जरूर। धिन धिन दाना तिन तिन ना त्रक धिन धिन ना ओम गम 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 श्री गणेश ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमो नमो माता सरस्वती धग न धतित घिन तित राग ताल सुर लय नमो नमो सुर नर मुनि गुणी जन नमो नमो बाजत मृदंग वीन मृचंग निरत करत ब्रह्म तिरकत रंग ता तुंग तक तुंग ततुंग दिग दिग तुंग ता तुंग तक तुंग ततुंग दिग दिग तुंग ततुंग 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 धा ततुंग 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 धा ततुंग तातुंगा तातुंगा दा। ये रवि जी का कंपोजिशन है, तो ये इससे मैं समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और बहुत सौभाग्य का दिन था हमारे लिए कि बातचीत हुई, मजेदार बातचीत हुई। और आगे भी आपसे ये अनुरोध करेंगे कि जो आपका स्नेह है हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए, वैसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमेशा। और अब मैं तो ये चाहता हूं कि आप जैसे ऑर्गेनाइज किया था मुझे याद है, तो आप शुरू करिए, तो ये बिल्कुल हमारे लिए और हमारे आगे के पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा, एक स्टेज होगा, कि आप जैसे लोग अगर नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा आगे के पीढ़ी के और हम सबको। तो आप प्लीज शुरू करिएगा, और बहुत ऑलवेज फॉर यू, आपके जब भी बोलेंगे हम तैयार हैं कुछ भी। बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।